नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताया था कि हम अपने सहसर खिदादरी ब्लॉग में आज हम आपको एक नया ब्लॉग दिखाएंगे जो है सर खिदादरी का नया बस स्टैंड। आप देख रहे हो कि जो ये रोड है ये हमारा बस स्टैंड की तरफ जा रहा है। वो सामने से आप देख रहे हो कि वो बस निकल रही है, दो बस, वो बस डिपो है। और हमारा जो बस स्टैंड है वो कई बस स्टैंड देखा है बड़े बड़े शहरों में कि शहर से बाहर होता है, जो हमारा बस स्टैंड है वो शहर के अंदर है। लेकिन सरकार इसकी व्यवस्था करेगी, इस बस स्टैंड को कहा जाता है या तो फिर नई अनाज मंडी के पास या फिर लोहार चौक के पास इसको शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आज ही शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट करने का मतलब ये है कि 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। और आओ अब हम आपको दिखाएंगे हमारा बस स्टैंड कैसा है। ऊपर था, ऊपर था। हाँ तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि आज हम अपने शहर के चरखी दादरी के नए बस स्टैंड के अंदर आ चुके हैं। आप देख रहे हो कि हम जस्ट एंट्री करने वाले हैं। हमारे पीछे हमारा शहर का सुंदर सा बस स्टैंड है। आओ भैया, इधर एक छोटा सा स्टडी बूथ है। इधर हमारे नो पार्किंग जोन, जो हमारे कर्मचारी हैं बस स्टैंड डिपो के, जिनके साधन है, इधर स्पेशल सरकार द्वारा पार्किंग जोन बनाया गया है। आप देख सकते हो इधर आप जो देख रहे हो मेरे पीछे, जस्ट ये वेटिंग रूम है जो कि सवारियां अपनी बसों का वेट कर रही है। अगर बस लेट है तो सरकार द्वारा बनाया गया अच्छा सुंदर वेटिंग रूम हमारे सहसर खिदादरी बस स्टैंड का, यहाँ पर सवारियां बस का इंतज़ार कर रही हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर अपना समय पंखों नीचे। हमारे शहर का आज जो कि आप देख रहे हो हमारे पीछे, हमारे शहर का बस स्टैंड है। और जो आप देख रहे हो हमारे पीछे एक वेटिंग रूम, बस स्टैंड के अंदर एक हॉल वेटिंग रूम है जिसमें सवारी बस का वेट करती हैं और यहां पर बैठती हैं, आराम करती हैं। आओ दिखाते हैं आपको अंदर से। ये हमारा जहाँ पर सवारियाँ अपना टिकट के हिसाब से अपना वेटिंग नंबर लेती हैं। और इधर हमारा जिस सवारी ने बस के बारे में कुछ पूछना हो तो इधर से पूछताछ कर सकता है। और हम आपको बता दें कि हम आपके शहर से खिदादरी के बस स्टैंड के अंदर इस समय खड़े हैं।
आपके इस साइड आप देखोगे कि हमारे बस स्टैंड के अंदर सरकार द्वारा कैंटीन की व्यवस्था भी करा दी गई है, जो कि यात्री अपना बस का इंतज़ार करते हैं और बैठते हैं, उनके लिए पीछे कैंटीन है, कैंटीन में से कोई भी सामान ले सकते हो आप। आपको सबसे अच्छी बात कि हमारे यहाँ पर कैंटीन पर सभी सामान उपलब्ध हैं। आपने देखा कि हमारे शहर का सरकी दादरी बस स्टैंड का अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। आप देख सकते हो कि हमारे जो सामान्य बस स्टैंड हरियाणा राज्य परिवहन सरकी दादरी में, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ सरकी दादरी बस स्टैंड डिपो से सभी तरह की बसों का आना जाना सरकार ने तय कर रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर की भी बस और वैष्णो देवी की भी बस चलाने की सरकार द्वारा जल्द से जल्द तैयारियां चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हम आपको एक नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।